अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और जनता के जान और माल की रक्षा करने के लिए अनिवार्य रक्षा सेवाओं के रखरखाव तथा उससे संबंधित या उससे अनुसांगिक विषयों का उपबंध करने वाले अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव करता हूँ। माननीय भारत सरकार ने दिनांक 16/5/2020 को घोषणा की है कि आयुध आपूर्तियों में एटोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी और इफिशियंसी को सुधारने के लिए आयुध निर्माणी यानी कि DRDO ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया जाए। तत्पश्चात 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को पास कर दिया और पंजीकृत करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। माननीय यह स्वीकृति में 100% गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेट इंटिटीज में परिवर्तन करने की अनुमति दे दी। इसके निर्णय के विरुद्ध ही कर्मचारी सड़कों पर उतरने का नोटिस दे दिया और उन्होंने हड़ताल करने का नोटिस दे दिया। माननीय इसमें सेंट्रल लेवल कमिश्नर के स्तर पर शुरू की गई कंसिलेशन प्रोसीडिंग दिनांक 5 जून 21 को विफल हो गई। जब ये विफल हो गई तो 16 जून 2021 को मंत्रिमंडल ने OFB को 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में परिवर्तित करने की स्वीकृति दे दी। इसके पश्चात एम्प्लॉई फेडरेशन ने पुनः 8/7/21 को अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए नोटिस दे दिया। माननीय यद्यपि इस निर्णय में कर्मचारी के हितों की रक्षा की जा रही है, कहीं से कहीं तक कर्मचारियों का हित प्रभावित न हो ऐसा प्रोविजन इसमें किया गया है। देश की उत्तरी सीमा पर जो स्थिति आज है माननीय, उससे पूरा देश और यह सदन अच्छी तरह से भिज्ञ है। इसलिए अनइंटरप्टेड सप्लाई हमारी सेनाओं को आयुधों की होनी चाहिए और कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। जो वहां पर आवश्यक हथियार, गोला बारूद या जो भी चीज़ें जाती हों, वो चीज़ों को अच्छी तरह से माननीय वहां पर बिना किसी रोक टोक के भेजना ही पड़ेगा। ये सरकार की मंशा है और ये देश की मंशा है, सदन की मंशा भी है। इससे पूर्व का केंद्रीय कानून माननीय द इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1990 में समाप्त हो चुका है माननीय, और वर्तमान में आवश्यक रक्षा उत्पादकों और सेवाओं की उपलब्धता को सुचारू रखने के लिए कोई भी केंद्रीय कानून भी नहीं है। क्योंकि संसद सत्र चल रहा था और इस संबंध में तुरंत विधि निर्माण की आवश्यकता थी, मंत्रिमंडल ने दिनांक 23 जून 2021 को इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2021 को स्वीकृति दे दी, जिसे भारत के माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा 30 जून 2021 को प्रमलगेट कर दिया गया। इसमें अन्य बातों के साथ साथ केंद्र सरकार को देश की सुरक्षा के हित में रक्षा से जुड़ी सभी एस्टेब्लिशमेंट में आवश्यक रक्षा सेवाओं का मैनेजमेंट सुनिश्चित करने की पावर प्रदान कर दी गई। माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि हमने पूर्व में इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021 को 30 जून 21 के ऑर्डिनेंस में रिप्लेस करने के लिए इंट्रोड्यूस किया था। मुख्य रूप से राष्ट्र की सुरक्षा के हित में लाया जा रहा है यह बिल, और इसको अगर यह इन्वोक होता है तभी इसमें कोई कार्रवाई होगी। माननीय कहीं से कहीं तक कोई कार्रवाई करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है, किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के हितों को प्रभावित करने का इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। हर तरफ से कर्मचारी हमारे सुरक्षित हैं। ये एक ऐतिहासिक लाया गया है माननीय, यदि हड़ताल का नोटिस नहीं देते तो ये भी प्रोविजन नहीं आता माननीय। इसलिए जितने भी हमारे मित्रों ने इसमें अपनी आपत्तियां दी हैं वो निराधार हैं, कहीं पर भी फंडामेंटल राइट का वायोलेशन नहीं होता है, और कहीं पर भी किसी भी जो हमारे कर्मचारियों को हम लोग सुख सुविधा देते हैं तो उनमें कहीं भी कटौती नहीं होती है। सारी चीज़ें निर्मूल है माननीय, और सबसे बड़ी बात यह है माननीय
कि हमने इसमें सनसेट क्लॉज जोड़ने का निर्णय ले लिया है। और माननीय रक्षा मंत्री जी की हमारे जितने भी कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशन से हैं उनसे बहुत ही अच्छी बातें हो गई हैं और बहुत अच्छे वातावरण में बातें हुई हैं, इसलिए कहीं से कहीं तक कोई संकट नहीं है। निश्चिंत होकर मैं अपने मित्रों को यह आश्वासन देता हूं कि इस बिल को पास करने में सहयोग करें, क्योंकि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है और देश की रक्षा सुरक्षा करना हमारा सबका प्रथम कर्तव्य है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास करने की कृपा की जाए।